शिकस्त पे शिकस्त, नाकामी पे नाकामी, टीम पाकिस्तान को हार की लत लग गई। ब्रिस्बेन मेलबर्न के बाद सिडनी में भी बदनामी का हार गले पहन लिया। तीन मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट वॉश कर दिया। 465 रन के ताकुब में पूरी टीम 244 पर पवेलियन पहुंच गई। सब आए गए और जाते गए, शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद भी मिसबाह का कयादत छोड़ने से इनकार। नमी गिरामी पाकिस्तानी तोपे ऑस्ट्रेलिया में खामोश। मिसबा, यूनस, अजहर, असद शफीक और सरफराज, किसी ने भी टीम को कैंगरूज के चुंगल से छुड़ाने के लिए कदम ना बढ़ाया। पाकिस्तानी बॉलिंग का भी पोल खुल गया। यासिर शाह की गेंदें घूमी ना आमिर ने कोई अच्छा स्पेल फेंका। रह गए वहाब रियाज, तो जनाब ने विकेटें कम और नो बॉल ज्यादा फेंकी। नतीजा, शायकीन के दिल टूट गए। टेस्ट क्रिकेट पर पाकिस्तानी हुक्मरान के चांद को ग्रहण लग गया। दो माह पहले की नंबर वन टीम गिरते गिरते पांचवें नंबर पर जा पहुंची। शाहीनों ने ऑस्ट्रेलिया में रिसवाई का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर कर लिया। किंगरूज के देश में मुसलसल 12वें मैच में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार चौथी सीरीज में क्लीन स्वीप किया। कमचिन मुलाजिमा तैयबा तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने बच्ची की फूफी समेत दो अफराद को हिरासत में ले लिया। काम पर भेजने वाली खातून के बेटे अनवार को पुलिस इस्लामाबाद ले गई। तैयबा कहाँ है, पुलिस की पहुंचगछ जारी। नोधरा ट्रेन हादसे में इंसाफ होगा और सच सामने आएगा। वजीर रेल ने ख्वाजा साद रफीक की लवाहिकीन को यकीन दहानी। कहते हैं सिस्टम की कोई गलती नहीं, एक हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में हादसे में जख्मी बच्चों की अयादत की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी आज लोधरा जाएंगे। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ दहशतगर्दी के खिलाफ 39 मुस्लिम मुल्कों की इतिहादी फौज के सरबराह मुकर्रर। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक राहील शरीफ की तायुनाती हुकूमती मंशा और GHQ की क्लियरेंस के बाद हुई। इतिहादी फौज का हेडक्वार्टर सऊदी अरब में है। बादल बालाई इलाकों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। पहाड़ों को सफेदी में छुपा दिया। मलका कोसार के आशिक इसका हुसन देखने के लिए खिंचे चले आए। वीर बाला में बर्फ ही बर्फ, सवात और कागान में रुई के गाले। आजाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला पांचवें रोज भी जारी। सयाहों की गाड़ियां फंस गई। कराची वालों खुश हो जाओ, बस थोड़ा और इंतजार, फिर होगी छमाछम बरसात। बादल नगरी से बादलों की टोली चल पड़ी। कल की बूंदाबांदी के बाद लाहौर में भी आज घने बादलों का बसेरा। मौसम में खुनकी बढ़ गई। इस्लामाबाद में रिमझिम का इम्कान। तुर्की में एक और नौजवान के अगवा होने का इंकशाफ। मुजफ्फरगढ़ से मजदूरी के लिए जाने वाले नौजवान की रिहाई के लिए तावान का मुतालबा। 1 लाख रुपए अदा करने के बावजूद रिहाई न मिल सकी। कराची में चिल्ड्रन अस्पताल का अमला NGO के खिलाफ सरापा एहतजाज। एहतजाज के बाइस OPD बंद। दूर दराज से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के एयरपोर्ट पर फायरिंग करने वाला हमलावर अमरीकी फौजी निकला। मुलजिम ईस्टा बयान सेंटियागो इराक जंग के दौरान खिदमात सर अंजाम दे चुका है। एयरपोर्ट फायरिंग से 6 अफराद हलाक, 9 जख्मी हुए। भारत में इंसानी तस्लील का एक और वाकया सामने आ गया। रियासत उड़ीसा में गाड़ी न होने पर बदकिस्मत बाप बेटी की लाश 15 किलोमीटर तक कंधे पर उठाए पैदल चलता रहा। किसी ने मदद करना गवारा ना किया। और घोटकी की नहर से एक और नायाब डॉल्फिन पकड़ी गई। देहातियों ने वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। घोटकी की नहरों से एक माह के दौरान 3 नायाब डॉल्फिन पकड़ी गई।